अपन ने लिए उम्मीदवार से तो कोई पहचान है नहीं, अपनी तो पार्टी से पहचान है, कांग्रेस पार्टी से। चाहे गुड्डू राजा आ जाए, चाहे चौबे जी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी। तो ललितपुर का एक नाम चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा, आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी का आप बोल रहे हैं, उसी पार्टी में शामिल हुए। बीते दिनों दो तारीख के दिन हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ उन्होंने भोपाल में पार्टी में वो शामिल हुए। अब ऐसे आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं हम लोगों के माध्यम से हो चाहे और आम लोगों के माध्यम से, कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो चंद्रभूषण सिंह बुंदेला अगर यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो फिर आप क्या सोचते? नहीं भाई, अपने लिए इससे कोई मतलब नहीं। अपन तो जो कांग्रेस पार्टी हैं तो कांग्रेस पार्टी में वोट देंगे, कोई भी आ जाए, व्यक्तिगत चुनाव कोई भी हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। नौगर गांव, लोगर गांव का नाम लोगर है और यहां लोग बैठे हैं और इनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव का आने वाला माहौल है, इसमें जनता किस तरफ की बात करती है। और इस विधानसभा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, भूपेंद्र सिंह यहां से मंत्री भी हैं और विधायक भी यहीं से चुने जाते हैं और मंत्री पूरे मध्य प्रदेश सरकार में वो इस समय हैं। और उनके खिलाफ कुछ दिनों पहले उड़ती उड़ती खबरें आईं कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा, एक मजबूत नाम ललितपुर जनपद का, वो यहाँ पर अपनी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी जता सकते हैं। लेकिन अब लोगों के पास जानते हैं कि लोगों को इसके बारे में क्या लगता है। दादा क्या नाम है? चंदन सिंह। तो चंदन सिंह जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? भूपेंद्र सिंह को दे। तो भूपेंद्र सिंह क्यों लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के बीते जो 3.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, 1.5 वर्ष कमलनाथ जी का रहा है, तो इस 3.5 साल में ऐसा क्या विकास शिवराज सिंह ने किया या क्या विकास भूपेंद्र सिंह ने किया कि आप कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह? हाँ, विकास किया भूपेंद्र सिंह ने। क्या विकास किया? अरे अब जो है सम्मान निधि भी ताने के ले आए, आवास भी बने, जो डल रहे पैसा भी डल रहे महिलाओं हम। तो मैं ये पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह यहाँ से विजयी होते हैं और आप लोग हमेशा वोट करते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी का उठता ग्राफ मध्य प्रदेश में लगभग फाइटिंग जैसी कंडीशन में दोनों पार्टियां खड़ी हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस पार्टी से जो भी उम्मीदवार आएगा वो फाइट दे पाएगा भूपेंद्र सिंह को या नहीं दे पाएगा? भूपेंद्र सिंह को नहीं दे पाएगा। भूपेंद्र सिंह को फाइट कोई नहीं दे पाएगा। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया क्या नाम है? मनीष सिंह राजपूत। तो मनीष राजपूत जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बस भूपेंद्र भैया आएंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि भूपेंद्र भैया? खाने से लेकर रहने तक उनकी सारी विकास की सुविधाएं मिली हैं जनता को। और एक और मैं आप लोगों को चीज पहले बता दूं कि ये राजपूत हैं और राजपूत मतलब ठाकुर, यहाँ की क्षत्रिय समाज है, राजपूत पीछे उनका सरनेम होता है और वही ये लोग राजपूत यहाँ लिखते हैं और राजपूत ठाकुर समाज का एक सरनेम होता है, बताएं भैया जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है? चूंकि आपकी समाज से एक कैंडिडेट ललितपुर से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा, उन्होंने कहा हम घर वापसी कर रहे हैं, दूसरी चीज उन्होंने कहा हम भोपाल में ही निवास करते हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं, ये बातें एक तरफ, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ पाएगी? माननीय भूपेन जी की ऐसी बात है कि अपने से इतना विकास फैला दिया है कि कम से कम कछु नहीं तो 60-70 साल आगे खुरई विधानसभा को कर दिया, और भी विधानसभाएं देखी हम लोगों ने, कोई विधानसभा आगे नहीं, विकास में इतनी आगे हो गई, हर बात में इतनी आगे हो गई। अगर खुरई विधानसभा से कोई लोग अगर भोपाल भी इलाज करवाने जाता है अगर, तो सरकार की गाड़ी आती है, हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल में भी मदद करते हैं। शिक्षा की बात रही अगर, तो शिक्षा में भी बहुत योगदान करते हैं, हर बात से सुविधाएं बनवाते हैं, बच्चा भी अगर फोन लगा दे अगर तो उनकी भी सुविधाएं होती हैं। अपन को तो जरूरत नहीं, जैसे सियाने हैं अगर तो अपने साथ, अगर अपन घरे भग जाए किसी कारण, बाल गोपाल भी फोन लगा दें अगर, तो भूपेंद्र सिंह सारी सुविधाएं अपनी बन जाती हैं, और क्या चाहिए जनता। तो मतलब इस बार आप लोग प्रसन्न हैं, तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार भोपाल में आप लोग बनते हुए देख रहे हैं या फाइट है, या किसकी सरकार आप लोग मध्य प्रदेश में चाहते? शिवराज सरकार और भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह के आगे कोई नहीं और शिवराज के आगे कोई नहीं। चलिए और भी लोग, भैया क्या नाम है? हम तो विदिशा के हैं। चलिए तो विदिशा के ही बताइए, विदिशा में क्या माहौल चल रहा है? वही शिवराज सिंह। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवराज सिंह? शिवराज सिंह है ये, शिवराज सिंह ही रहेंगे। क्या लाभ मिला है आपको शिवराज सिंह की सरकार? अरे तो पूछ लो। चलिए और भी लोग हैं, खैर बुंदेलखंड का एरिया है जो बातचीत करने में लोग थोड़ा समस्या देखते हैं। भैया क्या नाम है? बादाम सिंह राजपूत। तो
तो बादाम सिंह जी, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? जी भूपेन सिंह आएंगे सर। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि भूपेन सिंह आएंगे? सर विकास किया उन्होंने बहुत। तो ये केवल आप लोगों की, आपकी समाज की राय है या सब सब, सब समाज की राय है? फल विकास की गंगा बहा दी। तो एक बात हमें बताइए, यहाँ पर भूपेन सिंह जी चुने गए, उसके बाद उन्होंने विकास कार्य किए, तो क्या आप लोग एक नए चेहरे पर विश्वास नहीं कर सकते कि नया चेहरा हो सकता है जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा विकास करा दे? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता, ना करवा पाएगा कोई। राजा को बदलना नहीं चाहता कोई, अपने पिता को कोई बदलना नहीं चाहता, पिता पिता होता है। गंगा वो आदि है खुरई के उनके उनके आगे और कोई नहीं हो सकता खुरई में। तो मतलब यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या है? भैया भी हमारे साथ, भैया क्या नाम है? राजजीत राजपूत। तो राजजीत जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में बीजेपी जिंदाबाद रहेगी और क्या। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी जिंदाबाद रहेगी? जो विकास है, विकास की ओर से देखेंगे हम लोग, तो जनता है, जनता तो विकास देखती है। तो मध्य प्रदेश में आप भोपाल में किसकी सरकार बनता देखना चाहते हैं? भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी ने। हाँ तो हाँ वही भोपाल के जरिए से बोल रहा है, तो अपन बीजेपी सरकार बनाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों कि बीजेपी सरकार? एक तरफ जनता महंगाई की मार से परेशान, दूसरी तरफ जो नौजवान लड़के हैं कहीं ना कहीं रोजगार को लेके उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, और भी तमाम ऐसी समस्याएं हैं। चूंकि मैं आपके क्षेत्र में भी नया आया हूं तो मुझे यहां की समस्याएं मूलभूत पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो समस्याएं आम तौर पर समूचा देश मांग कर रहा है कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या इन सब बातों का फर्क आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है? पड़ता है, बाकायदा पड़ता है। तो फिर आप बताएं क्या हुआ कि अभी तक की सरकार को भी देखा, अभी तक हमारे जो बड़े हैं उनने भी देखा इस सरकार को, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने जितने हमारी उम्र है पहली बूथ में ही डाला होगा मैंने तो बूथ पर, हम जो है तो पहले से देखते हैं इसके लिए, तो उम्मीदें बढ़ रही हैं सरकार के द्वारा हम लोगों की। महंगाई है, महंगाई के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई ही बढ़ रही, हम लोगों की उम्मीदें भी तो बढ़ा रहे हैं ना वो, और हर देश उसे लगा लो अपनी अपने यहाँ। भूपेन सिंह भैया जिंदाबाद हैं। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है? जी सर, राजा बाबू सिंह राजपूत। क्या नाम है? राजा बाबू सिंह राजपूत। तो राजा बाबू जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? वो तो मंत्री जी आएंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मंत्री जी ही आएंगे? नहीं, उनने विकास किया है इतना, और क्या, जहाँ भी देखो आए विकास की गंगा बह रही उनकी। तो विकास के बाद अब आप लोग, विकास हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश में आमतौर पर इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखें या और अन्य चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हावी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ जब हम लोग मध्य प्रदेश में घुसे उसके बाद ये पहली डिबेट है यहाँ की तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का वजन है जो आप लोग बता रहे हैं वो केवल यहीं पर है या समूचे मध्य प्रदेश में ही? सब में है। तो भारतीय जनता पार्टी भोपाल में इस बार अपना मुख्यमंत्री बिठा लेंगे। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी? बहुत लाएगी सीटें। तो क्या नाम है भैया? विजयपाल सिंह राजपूत। तो राजपूत जी, इस बार क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस में वोट देंगे कमलनाथ के लिए। तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि कुछ व्यक्तिगत गांव के हिसाब से और राजनीति के हिसाब से सब कुछ चलता है और क्या। तो यहां से आपके यहां से उम्मीदवार कौन आ रहा है? उम्मीदवार अब जो भी आ जाएं, अपन ले लिए उम्मीदवार से तो कोई पहचान है नहीं, अपनी तो पार्टी से पहचान है, कांग्रेस पार्टी से, चाहे गुड्डू राजा आ जाए, चाहे चौबे जी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी। तो ललितपुर का एक नाम चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी का आप बोल रहे हैं, उसी पार्टी में शामिल हुए, बीते दिनों दो तारीख के दिन हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ उन्होंने भोपाल में पार्टी में वो शामिल हुए। अब ऐसे आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं हम लोगों के माध्यम से, चाहे और आम लोगों के माध्यम से, कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो चंद्रभूषण सिंह बुंदेला अगर यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? नहीं भाई, अपने लिए इससे कोई मतलब नहीं, अपन तो जो कांग्रेस पार्टी हैं तो कांग्रेस पार्टी में वोट देंगे, कोई भी आ जाए, व्यक्तिगत चुनाव कोई भी हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। पिछली बार हुए चुनाव में कितने मतों से हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी? एक हिसाब से कोई ज़्यादा उससे हार नहीं हुई थी, हमारे यहाँ तो कांग्रेस की पोल निकलती है लोग, और निकलेगी आज भी और क्या।
तो कांग्रेस पार्टी की पोलिंग आपकी निकलती है इस गांव? निकलेगी, लेकिन यहाँ हमने लोगों से बात की, सभी से, सभी लोगों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह को चुनेंगे, इसके बावजूद चूंकि, और मैंने कुछ नहीं है, भूपेंद्र सिंह भी खराब नहीं है, लेकिन उसके उनके कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से ऐसी भी कुछ गाँव के रूप में कुछ भी दिक्कत आती होगी, हमारे लिए दिक्कत होगी, इसलिए हम खुल के कांग्रेस ही और कांग्रेस में वोट देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खराब नहीं है ऐसे कुछ के उनकी कोई गलतियां हो, कि वो अपने लिए कोई जबरदस्ती बोल रहे हो, तो आपके कार्यकर्ताओं की वजह से ऐसा हो सकता है। तो अब की बार आपको क्या अनुमानित सीटें क्या लग रही हैं, कितनी सीटें अनुमानित? अनुमान तो जैसे भूपेंद्र भैया का विकास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं मध्य प्रदेश के पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी बनेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। हाँ बनेंगे। तो कमलनाथ जी से क्या आशाएं आप लोगों की हैं? कमलनाथ जी क्या ऐसा करें? वो उन्हीं की इच्छा है, अपन कुछ मतलब आप लोग सिर्फ मौका देना चाहे, मौका देना चाह रहे। तो चलिए, ये लोग थे जो हमें मिले यहाँ पर, तमाम लोगों से हम लोगों की चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगभग कह रहे थे, लेकिन भैया ने आकर कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष रखा है। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला का यहाँ से उम्मीदवार होना लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि उड़ती हुई खबरें ये सामने आई हैं और लोग यहाँ इस तरीके के नारोबाजी से संबोधित कर